So let's start the chapter. It was the season for hilsa fish. Fishermen could think of nothing but hilsa fish. यह hilsa fish का season था और जो fishermen हैं, जो मछुआरे हैं, वो केवल hilsa fish को पकड़ने के बारे में ही सोचते थे, किसी और fish को पकड़ने के बारे में नहीं सोचते थे. Fishmongers sold nothing but hilsa fish. और जो fishmongers थे, जो मछली बेचने वाले थे, वो भी केवल hilsa fish ही बेचते थे. Come, buy. The price of hilsa fish is down today. आओ, खरीदो. हिल्सा फिश की प्राइस आज कम हो गई है. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. और जो गृहस्थ थे, जो घरेलू लोग थे, वो भी केवल हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते थे और किसी और के बारे में बात नहीं करते थे. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. तुम इस हिल्सा फिश के लिए तुमने कितने पैसे चुकाए. यू वुडंट बिलीव इफ आई टोल्ड यू. तुम विश्वास नहीं करोगे यदि मैंने तुम्हें बताया तो. And in the palace, to the courtiers, could discuss nothing but hilsa fish. और palace और महल में भी जो courtiers थे, जो दरबारी थे, वो भी केवल hilsa fish के बारे में ही discuss कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे. Your majesty, you should have seen the huge hilsa I caught. It was. महाराज, एक दरबारी कहता है, महाराज आपको वो बड़ी hilsa देखनी चाहिए थी जो मैंने पकड़ी थी. It was. फिर अपने हाथ से बताता है कि वो इतनी बड़ी थी. स्टॉप इट. फिर राजा गुस्से से कहता है बंद करो. आर यू ए कर्टियर और ए फिशरमैन. तुम एक दरबारी हो या एक मछुआरे हो. द कर्टियर फेस साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज. फिर वह जो दरबारी था वो लज्जित होते हुए चुप हो जाता है. द किंग फेल्ट गिल्टी. और फिर राजा को गिल्टी महसूस होती है, राजा को थोड़ा अपनी गलती महसूस होती है. फिर राजा कहता है आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर. मुझे माफ कर दो, मैं गुस्सा हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया था. इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश. यह हिल्सा फिश का सीज़न है. एंड नो वन. और कोई भी नहीं, नॉट इवन गोपाल, यहाँ तक कि गोपाल भी नहीं, कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. यहाँ तक कि गोपाल भी किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता. नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स. केवल यहाँ तक कि 5 मिनट के लिए भी नहीं. ओ आई थिंक आई कुड योर मजेस्टी. फिर गोपाल कहता है कि ओ मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ महाराज. गोपाल कहता है कि मैं लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से रोक सकता हूँ, ऐसा गोपाल कहता है. देन लेट मी सी यू बाई ए ह्यूज हिल्सा फिश. तुम मुझे देखने दो, एक बड़ी ह्यूज हिल्सा फिश खरीदो. एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस. और इसे महल लेकर आओ. विदाउट एनी वन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट. और कोई भी तुमसे इसके बारे में एक शब्द भी नहीं पूछे. आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मजेस्टी. महाराज मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूँ, गोपाल ने कहा. ए फ्यू डेज लेटर. कुछ दिनों बाद. वाई इज योर फेस हाफ शेवन. तुमने अपने आधे चेहरे पर शेव क्यों की है. आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए फिश. मैं एक फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ. किसने कहा ये, गोपाल ने कहा. वॉट द मैटर विद यू. तुम्हारे साथ क्या मैटर है. वाई आर यू स्मियरिंग योर सेल्फ विद एश. तुम अपने ऊपर राख क्यों मल रहे हो. आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए हिल्सा फिश. मैंने तुम्हें बताया कि मैं एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ. लिसन टू मी प्लीज. कृपया मुझे सुनो. यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स. वॉट आर यू अप टू. कृपया मुझे सुनो, तुम इन बद्दे फट्टे पुराने कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते. वॉट आर यू अप टू. तुम यह क्या कर रहे हो. हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू. मैंने तुम्हें कितनी बार बताया. वुमन औरत. आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज हिल्सा फिश. मैं बाहर एक बड़ी हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ. इट्स हैपन टू हिम. ही हैज़ गॉन मैड. ऐसा घटित हुआ उसके साथ कि वह पागल हो गया है, उसकी वाइफ कहती है. गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड्स द पैलेस. गोपाल हिल्सा फिश खरीदता है और महल की ओर चलना शुरू करता है. मदर लुक एट दैट मैन. इजंट ही कॉमिकल. माँ उस आदमी की ओर देखो, क्या वह हास्यपद नहीं है, क्या वह मजाकिया नहीं है. ही मस्ट बी ए मैड मैन. वह एक पागल आदमी होगा, एक आदमी कहता है. हश. आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक. अरे नहीं, मुझे लगता है कि वह एक रहस्यमय व्यक्ति है, एक रहस्यवादी है या फिर कोई तांत्रिक है. वेन गोपाल रीच द कोर्ट. और जब गोपाल दरबार पहुँचता है. What do you want? तुम क्या चाहते हो. I want to see the king. मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, गोपाल ने कहा.
यू कांट सी द किंग गेट अवे विद यू। फिर एक सैनिक कहता है कि तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। फिर गोपाल डांस करना और जोर जोर से गाना शुरू कर देता है। इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर, द मैन इज क्रेजी। वह आदमी क्रेजी है, पागल है। थ्रो हिम आउट एट वंस, उसे इसी वक्त बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मुझे राजा से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को तुरंत मेरे पास लेकर आओ। राजा ने कहा, यस योर मजेस्टी, हाँ महाराज। फिर एक सैनिक कहता है, गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है। इट्स गोपाल, यह है गोपाल है। दरबारी कहते हैं, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, लगता है यह आदमी पागल हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे लगता है कि यह उसके जो मजाक हैं, जो चुटकुले हैं, उनमें से कोई एक पागल मजाक है या कोई बेवकूफ मजाक है। ऑल राइट गोपाल, ठीक है गोपाल, आउट विद इट, अब ये क्या मैटर है, इसे सही सही बताओ। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिड्यूकुलस फैशन, तुम इस तरह के मूर्खतापूर्ण फैशन में ढंग से क्यों आए हो। योर मजेस्टी, महाराज, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, ऐसा लगता है कि आप कुछ भूल गए हैं। फॉरगॉटन समथिंग, क्या कुछ भूल गया हूँ, राजा ऐसा सोचता है। फिर गोपाल कहता है, स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्स ऑफ इस टूडे, वास्तव में हैरानी है कि एक भी व्यक्ति आज हिल्स ऑफ इस के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, मार्केट से लेकर इस महल तक, एंड इन द कोर्ट, इस दरबार में, नॉट ए साउल हैज स्पोकन, एक व्यक्ति ने भी हैज स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्स ऑफ इस, एक व्यक्ति ने भी हिल्स ऑफ इस के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला है। कौन कहता है ये, गोपाल कहता है। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, और फिर राजा को वह चैलेंज याद आता है जो उसने गोपाल को दिया था। हा हा वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर राजा हंसते हुए कहता है कि ओके गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने एक बार फिर से असंभव को प्राप्त कर लिया है, यानी तुमने एक बार असंभव को संभव कर दिया है।